price in our store. Other than the high-end price, we have a lot of needed. इम्पोर्टेड होके आते हैं वो, और आपका रोशिद का आते हैं बिल बिल देते हैं ना आप। एबीसी से क्या लाइसेंस है आपके पास? उससे ठीक है, लाइसेंस वाला है ठीक है, रोशिद ठीक है। इसका प्राइस कितना है? किसी ज़्यादा लेते हैं ना सर? नेपाल से बिल नहीं चाहिए, पार्सल बिल को चाहिए, जीएसटी को चाहिए। आपका घोषित लेते हैं आप? और आपका जो ठीक है, रिसीट नहीं देने से तो ट्रेड लाइसेंस ही नहीं होगा। आप रिसीट वगैरह नहीं देंगे तो ट्रेड लाइसेंस बंद हो जाएगा। और आपने सोच लिया कि आज हम लोग आए कि 100 बाद है कि ऐसा कल भी आ सकते हैं? ठीक है, आप लोग फोन के अंदर ही कर लीजिए। किचन पनि चेक गर्नु होला, किचनहरु खरीद के रखने तो फ्रीज में रखना होगा, उसको चार डिग्री में सर्टिफिकेट में रखना होता है, तो आपने ऐसे नहीं रख सकते। वो एमआरपी वगैरह कहाँ पे, वो कहाँ पे है? निकाल दिया एमआरपी 25 रुपए इसका काम। इसको हटाइए, जिसका जिसका नहीं है हटाइए उसको। नहीं है तो कैसे और आपको भी बेचने के लिए खाना बेचने के लिए रोशन जाएगा। इसको फटाके डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आपने एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल भी नहीं किया? एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल है हाँ शायद
हम लोग आप ऐसे हो गए एक पानी का बोतल दीजिए ना, पानी का बोतल चेक कर आप जितना है डिस्ट्रॉय कीजिए आप, कैरी बैग कहाँ पे है वो कहाँ पे है दीजिए, उधर पे वो उधर पे कितना कितना है उधर से वो वाला उधर से कितना है, हम लोग करेंगे बाहर ले रहा थी मिली वो तीन बाहर ले रहा होता ले रहा बाहर ले रहा नहीं आप नहीं फेंकेंगे, आप फेंकने से तो पहले दिन फेंक आपको फेंका नहीं है, हम लोग फेंक देंगे आगे हो जाएंगे फेंक देंगे आपके फेंक देंगे तो हम लोग आएंगे हो जाएंगे ना हम लोग फेंक देंगे खोले 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 वो आप फिर से बुझा देंगे को खिला रहे हैं एक्सपायर हो चुका है, बहुत दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, वो एक्सपायर हुआ सामान इस दुकान में रख रहे हैं, वो कार्शियन वालों के लिए दार्जिलिंग वालों के लिए हमारे देश के लिए जो खाएगा इसमें तो हेल्थ इशू आ जाएगा, इतना कैंसर बढ़ रहे हैं इसलिए सबको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये पैकेट वगैरह तो फाड़ रहे हैं सर आप, देखिए इसका एक्सपायर कब का हो चुका है, 17 दिन मार्च में एक्सपायर हो चुका है, फिर एक्सपायर हुआ माल एक खिला रहे हैं दुकानदार। थैंक यू सर। कैसे पता चलेगा उसको, हटाइए जिसको पता नहीं चलेगा कैसे किसको खिलाएंगे, कोई बोल रहे एक महीने का पहला है, आप कैसे प्रूफ करेंगे, आपके पास इसका रसीद है?
खरीदा होगा पानी ठीक है। आप जब कुछ खरीदेंगे रसीद लेंगे और खरीदने के बाद भी आप रसीद लेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, कब तक बना हुआ है ये देखिए म्युनिसिपैलिटी में जाके ठीक करा के लाइएगा ना इसे हमारा डिस्प्ले
म्युनिसिपालिटी कहाँ पे है? मैंने सोची ये खरीदा तो आप तो मुझे गिन देंगे, कैसे आप कितना बेच रहे हैं? एंटरप्राइज लीन रोड आइटम फूड्स गारमेंट शॉप, आपका दुकान गारमेंट शॉप है, आप जूता बेच की रहे हैं? जूता क्यों बेच रहे हैं? लेकिन ये जो जूता बेच रहे हैं वो तो जूता लीगल जूता है, जूता का कोई रिकॉर्ड नहीं, गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, पूरा ब्लैक चले जाते हैं। वो रोशिद के सिवा आप लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, जहाँ पे लेंगे प्रॉपर रोशिद से। इस दुकान ये जूता कितना का है आपका? 600। आपने 1800 की लिख रखा है इधर पे, ये आपका मनमर्जी से कीमत स्टार्ट करते हैं आप? इसका एमआरपी कहाँ पे है, कहाँ से लाए जूता? अरे इसका रसीद है आपके पास? बिल सर, बिल नहीं होने से आप ये म्यूनिसिपलिटी लेके चला जाएगा सर। आप ये चोरी करके लाए ना, कहाँ से लाए किसी को पता नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, म्यूनिसिपलिटी से लेके चले जाएगा इसको सब। गाड़ी है, गाड़ी में चलो। टिकट का तो सर कुछ भी नहीं है, हर विकेट से भी तो ऑफिसर है, इधर आए हैं लेकिन आए थे यहाँ पर मेरे आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर दुकान है इन सब का, ट्रैवल कंसेशन बिल मनी बिल संग है। Yes.
एक रोशनी दिखाइए ना योगेश कहाँ लिखा है प्राइस लिखा है कहाँ लिखा है कोई दुकान का है कई इसमें मैन्युफैक्चर डेट कहाँ है ये सब कुछ भी लिखा नहीं है तो ये तो नहीं चलेगा ना ये नहीं चलेगा हम तो ऐसे चलाएंगे तो चलेंगे मैंने पूछे ना बुक पैकिंग डेट गयो रेट कति प्रॉपर्ली वेट कति छ यसको कति हो त केस किसका लगाइए आप बोलिए ना आप ये गिनती किया 200 का और आप देख रहे हैं कि इसको बढ़ाने से सब अगर किसी ने नहीं लगाया उधर पे नहीं समझे पे बिल को समरी में जान भाई पे बिल गयो ये दिखाइए ना मैडम ये वाला एक सेकंड इसको आर्डर दीजिए रिपोर्टर नहीं लगेगा आ गया इसको इसके पास बेस्ट बिफोर कब बना है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आप बहुत देखिए छप तो भी हो गया अंदर जम भी गया इसमें वो लिखना होगा स्टैंप लगाना होगा जैसे बनते हैं दूसरे वाला वो ऐसा करना होगा मैडम MRP लिखना होगा मैडम MRP लिखना होगा बेस्ट रिपोर्ट लिखना होगा APCC का लाइसेंस होगा सब कुछ लेके आप इसको पैक करके रख के पाएंगे इसको हटा दीजिए डस्टबिन में डाल दीजिए इसको भी डाल दीजिए वो जैसे बिक्री नहीं होता हम लोग डंप कर देते हैं बच्चे की कटते हैं हटाइए सर हटाइए पानी कहाँ से लेते हैं आप लोग पानी तो आते ही नहीं है पानी कहाँ से लेते हैं सब का क्या करते हैं पानी बोलते बना पानी घास बना बना बनाने वाला पानी वो कहाँ से आते हैं वो अभी नहीं है आपके पास मैनेजर 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 को सर मैनेजर का आ रहा है आप पैसा
अच्छा ये ढक के रखना चाहिए ना, कुछ लगा दीजिए। ठीक है आप खाइए, नहीं है इसमें क्या रखा है इसमें? एक इसे क्या करते हैं? और आपको एक कॉम्प्लेंट आई है एक बार सर, जो लेके जाते हैं हम लोग गिनते रहते हैं। तुम्हारे बाल से तो आपको बिल देना ही होगा, हम लोग कहते हैं सर वो लेने ले से भी आपको देना, हम लोग कहते हैं सर कैश में सर। मैडम आपका क्या चीज है? लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले तो और को नाम मनोज केंद्र फोन नंबर यो अस्ति नै भनेको मैले दोकानै खोल्दैछु बिस्तारै बिस्तारै उसले रेगुलर टैक्स इनवॉइस है सर, दिखाई ना आउनु पर्यो चेयरम्यानकोमा सबैजना। ये अभी जमीन इलिगली है ना,
ये दुकानदार सब इलीगल है, सब इलीगल है, ये इधर 100 एक का प्रॉपर्टी है, कोई किसी का ट्रेडलेसिंग नहीं है। फर्स्ट क्या सुनो तब ये सोपी सही था सब बात पहले करो जो सजाया रह गया सोपी सही था ये गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी जहाँ गवर्नमेंट को मोहर पड़े तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तेल सजा पाऊदन तेल ठोक्न पाऊदन तेल के पाऊदन तब काम लगे तब तब यहाँ हटाने के तब घर में राख्स कम से कम खोले राख्स जो पल्ला खोले राख्स तर यह ट्रफी है कुछ बुझ्भ सजाने से डिस्प्ले मात्रै राखेको होला एक दुईवटा चाहिँ डिस्प्ले मा राख्यो नि फ्रिजरमा राखेको छ फ्रिजरको चाहिँ दिनु कस्तो यो चाहिँ डिस्प्ले अंदर 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 जोगी जी ये दोरी ना आठ डिग्री से बीस में रखना चाहिए ठीक है ये तो बाहर है अभी अभी थोड़ा देर पे है गर्म हो गया आठ डिग्री बीस में बर्तन धोने के लिए इसमें और बाहर कहाँ पे है आपका मालिक कहाँ मालिक बोला है मालिक हाँ ये क्या है भाई मसाला है मसाला ढाका क्यों नहीं है मसाला ढाका क्यों नहीं है डाल हटाइए मसाला हटाइए तेल हटाइए हटाइए नहीं इस डस्टबिन में डालिए चाहिए डस्टबिन में तेल डाल दीजिए बार बार भी दीजिए बार बार भी दूर जाइए बुलाइए सब मसाला बुलाइए सब यहाँ पे घूमते हैं आटा कहाँ पे घूमते हैं रुके रुके कहाँ पे है कौन से टीका भाई इधर कौन खाते हैं रेशन का आता है ना इसको खाता नहीं हम क्या करते हैं गाय के लिए बेचता है इसको मिठाई है पसंद आ रहा है अभी रात है नहीं है पानी कहाँ से लेते हैं ये सब क्या करते हैं पानी वगैरह पानी भी नहीं करते वाला पानी दस वाला वाला बनाने वाला पानी वो कहाँ से आते हैं वो कहाँ पे रहता है अभी नहीं है आपके पास मैंने सुबह बनाया था आज तो पानी नहीं मैंने हम सब भाई आज भी नहीं है एक से जो चीज क्या है दिखते हैं तो क्या है साहब ये डाई किसका है भाई लिखा हुआ है ये लोग वैसा ही यूज करते आप इसको यूज करते हैं क्या वहाँ पे नहीं नहीं बनाने के लिए तो इस बार नहीं करते तो फेंक दीजिए सर फेंक दीजिए फेंक परमिसेबल ये क्या है लेवल भी नहीं है इसमें ये क्या है कब बनाई अभी बना मतलब ठंडा करके रखा है ये फूड कलर से क्या करते थे आप लोग सच में बताइए इसमें क्या है गंदा वैसे खाली है आपका ये जो रेक है ना इसको चेंज कीजिए ठीक है बहुत गंदा है बहुत ही ज्यादा गंदा है ये क्या चीज है क्या रखा है सुनिए सुनिए इसे क्या करते हैं फेंकने का चीज नहीं सर ना उधर निकाल दे नहीं नहीं इसमें क्यों खाने में इसको मिलेंगे सर पिटाई पिटाई कैसे पता चलेगा आप पैक करके रखा किसको पता चलेगा कब बना है कैसे बना है इसको डिस्ट्रॉय कीजिए रोड कहाँ पे ये देखिए मक्की कैसे भेजते हैं
क्या करेंगे कल? शादी में तो आपका जीएसटी कौन से है? ऑथोरिटी या रेगुलर में? बिल दिखाइए पर और ट्रेड लाइसेंस दिखाइए। वो तो लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले छोटा तो छोटा काम क्यों? नाक चाबी में तो हॉलमार्क होता है। 23 वाला बोला नहीं बोला था उन लोगों ने? हाँ एक सेकंड, 2 ग्राम से ऊपर बोला था पेपर में। मशीन और ये काटा है, दोनों का पेपर दिखाइए। एक बार इस दुकान में देखते हैं क्या है इधर। लाइक कहाँ पे है? ये किसका दुकान है? इसका कैश हुआ है आपके पास? ट्रेड लाइसेंस है आपके पास? आप पद के लिए आप अप्लाई कीजिए। फुटपाथ पर है तो तिम्रो तो यही है ना? दुकान में लगा रहे थे तो वास्तु नहीं माने को मैं सर दुकान पर पड़ने वास्तु नहीं माने कहीं सामने आ रही है दुकान पर किसका ना ना आप तिम्रो चलो ना ये बात है भाई इसको बैठता कौन है बोल के रहा था अभी भी जबरदस्ती करके अभी बोल रहा है वो जो क्या बोल रहा है कि मतलब फुटपाथ है फुटपाथ में बोल रहा है दुकान बंद कर दो बंद कर दो दुकान बंद कर दो साहब जी लगाने के बाद ना 2 दिन के बाद मुझे एक रिपोर्ट भी कर लीजिएगा। इतना लोग लगा है इतना नहीं लगा है कस्टमर भाई उन्होंने चोरी का सामान लिया है क्योंकि उनके पास कोई भी रसीद नहीं है कुछ भी नहीं है। आपका तो आप तो क्या करते हैं? मैकेनिक कर रहे हैं। हमको तो ये सब
पता नहीं है, हमको तो डाल दिया, रख दिया, कारखाना वाला है वो ला करके दिया। आप तो कारीगर है ना, ये देखिए कितना सारा सामान मिला उनके पास, ये क्या करेंगे सामान का लेके जाए हम? आप ये अब हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो हम सब हम विशेष क्या है, उसका लगा है लेट कर दीना ना वाइस वाइस ही हाँ सर, देखिए आशेपाशे दुकान कुछ है क्या? फायर फायर दो दिन फायर एक्सटिंग्विशर चाइनीज प्रोडक्ट है नहीं जल्दी उसको आप जिसको खिलाएंगे उसको तो तबीयत खराब हो सकता है, तो इसको क्या करना चाहिए? देख के कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। स्कूल का ऑर्डर है, एक आज बनाया हुआ है ये, तो फिर ये सब कल बनाया हुआ होगा, तो ढकते रखना चाहिए इसको। फूड बोन डिजीज होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, कौन जिम्मेदारी होगा उसके बाद? तो इसको हर टाइम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर टाइम ढक के रखना है, अदरवाइज में डस्ट पार्टिकल्स भी आ सकता है, इंसेक्ट फ्लाइज तो है ही। और आपका हेडगियर किधर है? यहाँ से अगर कुछ बाल गिर गया तो आप किसी को मिल गए कस्टमर तो क्या होगा? वो अच्छा है आप रखा है, मतलब आप उसको रख के रखने के लिए दिए क्या? आपको ऑनर पहन के लिए, पहनने के लिए ना, पहन के काम करने के लिए क्या चीज है? देख तू इसको, ये देखिए इसमें क्या पड़ा, क्या मतलब जोर से बोलिए ना, ये काला क्या है?
और एक ढाका क्यों नहीं है सब? ये ढाका क्यों नहीं? गिरा हुआ है 8-16 8-16 এর মধ্যে সব 8-16 মার্শলা পড়া আছে खाए भने त अलिकति फिडब्याकहरु पाउँछ हामीलाई पनि तिमीले अहिले वर्क पर ब्ल्याक डोर लिएर आऊ हामी त्यहाँ बसेर उहाँलाई सब्जी में कौन सब्जी यूज करते हो? चिकन चिकन चाहिए, ये भी है चिकन चाहिए। ये तो कलर है? हाँ कलर है, कश्मीरी लाल। कौन सा कश्मीरी लाल? ये भी कश्मीरी लाल है। इधर में तू जाने खाना खाने भने सोध्दे भन्दैन भयो स्टाफको खानु लाग्दैन यही भन्नु स्टाफको खानु यही हुनु पर्यो नि त्यही त होइन स्टाफको खाना क्या तपाईँको कौन है यहाँ का जो इधर पे अच्छा उसको सीएनसी डिस्कार्ड गर्नु पर्छ फेक्नु पर्छ किनकि त्यो ढाक ओवाला ओवाला भएको छ नि तपाईहरुले त्यो पुरा फिजिकल काम के गर्नु न काम काम आउँछ 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 रिपोर्टरहरू छ यहाँ रिपोर्टर साहबहरू छ के भयो सब रिपोर्टर साहबहरू छ किन खिचेको फुटाउँदैछु नि अन्त खाना
पहले हम लोग ये जो इंस्पेक्शन प्रोग्राम किया आज, जो अवेयरनेस का इंस्पेक्शन प्रोग्राम किया, ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होता है उसकी रेजोल्यूशन पर किया है। चेयरमैन डीएम सर है और सेक्रेटरी मेंबर मैं हूँ, और इसका कमेटी का जो टीम लीडर है वो सर ने मुझे ही बनाया था। और हम लोग दार्जिलिंग में जो काम किया था उसके बहुत सक्सेस हुआ था दार्जिलिंग में, उसकी माने उसी तरह से हम लोग हर वक्त ये काम करते रहेंगे। और आज हम लोगों ने कार्शियंग में आया, कार्शियंग में इधर पे हम लोगों के साथ बहुत सारा टीम है, हमारे साथ जीएसटी है, हमारे साथ लीगल मेट्रोलॉजी है, फूड सेफ्टी है, म्यूनिसिपलिटी है, हमारा एमओडी सर है, म्यूनिसिपलिटी का वाइस चेयरमैन सर है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस पर्सनल्स है, और हमारा एक जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो नॉमिनी है वो भी हमारे साथ है, और चेंबर ऑफ कॉमर्स का हमारे सपोर्ट के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स भी इधर पे था। इधर पे आके हम लोग नोटिस किया कि पहले हम लोग दार्जिलिंग में जो चीज़ देख रहे थे कि रिसिप्ट नहीं देना, कि उन लोग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो बेचना, एक्सपायरी प्रोडक्ट, इधर पे आके जो हम लोग ने देखा एक्सपायरी प्रोडक्ट तो दुकान में भर भर के रख रहे हैं, और उनमें फायर ब्रिगेड का जो लाइसेंस होना चाहिए या जो प्रोसीड्योर मेंटेन करना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, दो चार दुकान को छोड़ के। और इधर पे बेकारी में भी आया, बेकारी में भी हम लोग आके चेक करके देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल दिया, और कुछ कुछ आइटम को हम लोगों ने फाइन भी किया, और जो लीगल प्रोसीड्यूर है वो भी हम लोगों ने किया। और इधर पे आके एक चीज़ नोटिस किया हम लोगों ने, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स और बाजार समिति जो लोग जो बहुत था वो बहुत हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। हम लोग बेटर दार्जिलिंग बनाने के लिए ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, आज आए ये हम लोग 10 दिन बाद, अब फिर 10 दिन बाद भी आ सकते हैं, 2 दिन बाद भी आ सकते हैं, कि आ जाए 1 साल बाद आएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग इधर पे हैं हम लोग रोज़ इधर पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे। सर बहुत सारा दुकान में साफ़ सुथरा था, हाइजीन मेंटेन कर रहा था, और बहुत सारा दुकान में साफ़ सुथरा नहीं था, ऐसा भी दिखा गया था। तो आप लोग भी किसी को वार्निंग तो दिया है, हम लोग कड़ा वार्निंग दिया है, मेरा मतलब उसको टॉप वार्निंग जो बोलते हैं वो दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट में ले लेंगे। MRP जो होता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उसके ऊपर तो कोई नहीं ले सकते, अगर लेता है आप लोग कंप्लेन कीजिए हम लोगों के पास, और उनके पास रसीद देने के लिए बोलिए। मेन प्रॉब्लम इधर पे रसीद नहीं दे रहे थे, हम लोग सबको अवेयर कर दिया और सबको बोल भी दिया कि आपको सबको जो जिस दुकान में ट्रेड लाइसेंस जिस नाम पे है उसी नाम पे आपको देना पड़ेगा, रसीद देना पड़ेगा, और MRP से शायद आज के बाद कोई नहीं लेगा। जो GST का जो ऑफिसर है वो बताएगा। GST कति पाउनु भयो? आज हामी जुन चाहिँ कन्ज्युमर अफेयर्स डिपार्टमेन्टको अगुवाईमा हामी यहाँ आएको थियौँ, अनि GST को बारेमा चाहिँ मैले के हेरेँ देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जसले जसले GST नम्बर लिएको छ उनीहरूले कि त ट्याक्स इन्भोइस कि चाहिँ बिल अफ सप्लाई इस्यु गर्नुपर्छ। 200 रुपियाँभन्दा बेसीको ट्रान्ज्याक्सन एकपल्टमा छ भने चाहिँ दोकानदारहरूले चाहिँ बिल अफ सप्लाई अथवा ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गरेको नै हुनुपर्छ कन्ज्युमरलाई। तर यहाँ आज हामीले देखेको चाहिँ धेरैवटा जग्गामा चाहिँ हामीले उहाँहरूकोमा ट्याक्स इन्भोइस चाहिँ थापेकै छैन रहेछ उनीहरू कतिले, त्यो पनि हामीले भेटेका छौँ, अनि उहाँहरूको नाम हामीले नोट गरेका छौँ। GST चाहिँ सबैले GST नम्बर लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, जसको चाहिँ वस्तु एवं सेवा करले चाहिँ जसले चाहिँ गुड्समा बिजनेस गर्छ उहाँहरूले चाहिँ 40 लाख्सभन्दा बेसी टर्नओभर छ भने चाहिँ GST नम्बर लिनैपर्ने अवस्था हुन्छ, अनि सर्भिसेसको लागि हो भने चाहिँ 20 लाख्सभन्दा बढी उहाँहरूको टर्नओभर छ भने चाहिँ उहाँले GST नम्बर लिएको हुनुपर्छ है। अब यो सागसब्जी बेच्नेहरूकोमा तपाईँहरूले गएर फेरि हामीलाई बिल दियो भने चाहिँ भएन फेरि त्यो चाहिँ है, उहाँ किनभने त्यहाँ चाहिँ GST लागु छैन। सो ट्याक्सेबल आइटम जुन चाहिँ GST पर्ने जुन चाहिँ आइटमहरू छ त्यो ती दोकानहरूमा गएर चाहिँ कन्ज्युमरहरू चाहिँ गएर चाहिँ बिल चाहिँ माग्नुहोस्। 200 रुपियाँभन्दा कम्तीको भ्यालुको बिल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दोकानदारले बिल नदिए पनि हुन्छ, तर कन्ज्युमरले चाहिँ मलाई बिल दिनुहोस् भने चाहिँ दिनै पर्छ। कर्सियङमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसो हामीले घुमेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायःकोमा चाहिँ हामीले बिल अफ सप्लाई अथवा ट्याक्स इन्भोइसहरू ठिकसँगले नकाटिएको देखाउँदा देखाए, तर उहाँहरूले कतिजनाले तर कतिवटा छाप्नुमा गल्ती भएको, त्यहाँ ट्याक्स इन्भोइसमा भ्यालु अफ द गुड्स हुनु पऱ्यो, ट्याक्स रेट हुनु पऱ्यो, ट्याक्स भ्यालु कति भयो, त्यस्तो सबै त्यहाँ लेखा जग्गा हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो कतिवटामा त्यसमा त्रुटिहरू हामीले पायौँ, त्यो चाहिँ माइनर त्रुटिहरू, त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ भनिदिएको छौँ अहिले त त्यो सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई। GST नम्बर लिएपछि त उहाँहरूले GST को बिल पनि इस्यु गर्नु नै पर्छ,
एउटा नम्बर भएर कन्ज्युमरको अधिकारको कुरा आयो नि यो चाहिँ है कन्ज्युमरले चाहिँ उहाँको बिल चाहिँ पाउनु चाहिँ पर्छ जिएसटी पनि पाउनु पर्छ अब कतिवटा दोकान चाहिँ मसिनो दोकानहरू हुन्छ उहाँको टर्नओभर छैन फर्टिलाइजर टर्नओभर छैन भने चाहिँ फेरि उहाँ त जिएसटी लिनु चाहिँ नपर्ने अवस्था हुन्छ त कतिवटा मसिनो दोकानहरूमा गयौँ त्यो मसिनो दोकानहरूमा त जिएसटी छैन नै रहेछ त उहाँहरूले चाहिँ ट्रेड लाइसेन्स लिए वापस चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा बिल चाहिँ कन्ज्युमरले दिएको हुनु पर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ छ कन्ज्युमर त्यसको चाहिँ त जिएसटी लिएपछि चाहिँ जिएसटी बिल नै प्रपर जिएसटी गाइडलाइन्समा जे दिएको छ त्यो प्रकारको बिल चाहिँ उहाँहरूले इस्यु गरेको हुनुहुन्छ कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ज्युमरको अधिकार सो आज हामीले यो के आयो भनेदेखि चाहिँ यो यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ दुवै पक्षलाई नै अवेर गर्ने कार्यक्रम हुन्छ व्यापार वाणिज्यसित आबद्ध उहाँहरूलाई पनि अवेर गराउने उहाँहरूको जुन चाहिँ जिएसटी रिलेटेड अथवा अरू अन्य डिपार्टमेन्टसित जुन चाहिँ एक्टमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यस एक्टमा उहाँले त्यो कानुनलाई मानेर नै उहाँले काम गर्नुपर्ने भने उहाँको ड्युटीलाई अवेर गराउने हामी यहाँ आयौँ साथै कन्ज्युमरको पनि अधिकार के छ त्यो पनि हामीले अवेरनेस गर्ने अथवा उहाँलाई जागरुक गराउने लागि चाहिँ आज हामी म एकदम सेटिस्फाई छु कारण कहीँ न कहीँबाट सुरुवात चाहिँ भयो यो हामी हाम्रो जो कन्ज्युमर फोरमको एसोसिएसन निलय सरकार उहाँसँग हामी पहिलादेखि नै यो हामीले कालिम्पोङमा एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राखेको थियौँ दार्जिलिङ एमपीमा पनि राखेको थियौँ है र प्रथम दार्जिलिङमा जुन चाहिँ रेड भयो त्यो पछि हामी टचमै थियौँ हामी डिस्कस गर्दै थियौँ र आज चाहिँ हामीले यो एउटा अवेरनेस जस्तै हो आज त्यति ठुलो एक्सन लिएको छैनौँ तर यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जनता पनि सचेत हुनुपर्छ जबसम्म जनता सचेत हुँदैन डिपार्टमेन्टले जति नै गरे पनि हामी सक्सेस हुँदैनौँ त्यो कसरी पारे यो जुन चाहिँ कार्यक्रम भयो आज हामीले अलिकति वार्निङ खाल्यो देख्यौँ स्ट्रिक्ट एक्सन लिएको छैन नि होइन डिपार्टमेन्टले र एक दुई दिनमा हामी फेरि यहाँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राख्दैछौँ डिपार्टमेन्ट सबै डिपार्टमेन्टलाई लिएर र जति नै चेम्बर अफ कमर्स हुन्छ चेम्बर अफ ट्रेड छ जति नै दोकानदारहरू छ पब्लिकहरू सबैलाई राखेर एउटा अवेरनेस प्रोग्राम राख्छौँ हामी र फेरि नै भन्दैछु म यसमा चाहिँ अब जनता आफै सचेत हुनुपर्छ अन्त खालि हामी जोगिन सक्छौँ जनताबाट त्यति हामीलाई कम्प्लेन थिएन किनभने यो नगरपालिका नि छ हामीसँग है प्रायः यो कम्प्लेन नगरपालिकामा जानुपर्ने तर आज जुन चाहिँ कार्य भयो एकदमै राम्रो कार्य भयो किनभने हामीले देख्यौँ एक्सपायर डेट गइसकेको 19 चक्लेटहरू थियो जुन चाहिँ नानीहरूले खाएको भए चाहिँ सायद उहाँहरूको हेल्थ एकदमै बिग्रिन्थ्यो होला र यसरी खेलाइची चाहिँ गर्नु हुँदैन यो दोकानदारहरूलाई पनि म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूले जति नै एक्सपायर भएको चिज चाहिँ नचलाइदिनुहोस् आउँदो दिनमा चाहिँ अब हामीले भेट्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै लिगल एक्सन लिन सक्छ हामीले चाहिँ आज त्यो हेट प्रोग्राम गऱ्यो जस्तो एवेरनेस प्रोग्राम पनि गऱ्यो कन्ज्युमर एसोसिएसनले हामीले एवार्न पनि गऱ्यो कसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ दोकानदारहरूलाई एक्सपायर प्रडक्टहरू हामी भेट्यौँ थियो अन्त त्यो एक्सपायर प्रडक्टहरू चाहिँ हामी त्यो ध्यानमा दिएर हामी चाहिँ डिस्कार्ड गरिदियो अन्त उनीहरूले फर्दर भनेको छु कि एक्सपायर प्रडक्ट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नराख्नुहोस् अन्त त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ जस्ट वार्निङ मात्रै थियो पहिला जस्तो सरले भन्नुभयो त्यसपछि हामी स्ट्रिक्ट एक्सन लिन्छौँ यसको खिलाफ एगेन्स्टमा अन्त त्यहीहरू चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ हामी हाइजिनिटी चेक गऱ्यौँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एफएसआई लाइसेन्स एडमिनिस्ट्रेसन छ कि छैन त्यो चेक गऱ्यौँ अनि चेक गरेर चाहिँ जसको जसको लाइसेन्स रेस्टुरेन्ट छैन उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छौँ 4 तारिक चाहिँ हामी मेगा प्रोग्राम राखेको छ एउटा एफएसआई रेजिस्ट्रेसन होला गोर्खा लाइब्रेरीमा विथ कोअर्डिनेसन विथ खरसाङ व्यापारी सङ्गठन एन्ड गल्ला किराना व्यापारी सङ्गठन उनीहरूले हामीले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ हामी अफ जुनमा चाहिँ यो 2 दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ गोर्खा लाइब्रेरीमा एउटा मेगा प्रोग्राम राखेको छौँ त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो खरसाङ म्युनिसिपालिटी ब्लकको जति एउटा फुड बिजनेस अपरेटर्सहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ रेजिस्ट्रेसन या लाइसेन्सहरू चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्युसली हुँदै जान्छ अहिले फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ यो राइट प्रोग्राम एवेरनेस प्रोग्रामहरू किनकि फुड सेफ्टी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु फर द कन्ज्युमर्स एज वेल फर द नेसन बिल्डिङ होइन त्यही ऊ प्रकारले त्यही सर हामी चाहिँ कन्टिन्युसली गर्छु फ्रिक्वेन्टली गर्छु यो हामी चाहिँ एक हप्तामा पनि हुनसक्छ 2 दिनमा पनि हुनसक्छ त्यो चल्दै जान्छ अहिले इन्सपेक्सन एन्ड राइट हामी त प्रायः आज मात्रै होइन धेरै महिनामा 3-4 दोकान चाहिँ हामी प्रायः इन्सपेक्सन गर्छौँ र वार्निङ पनि दिउँ कतिलाई हामीले एनओसी नोटिसहरू पनि दिएको छौँ सबलाई इस्यु गरेको छौँ नोटिस तर यहाँ कतिजना चाहिँ कुनै इनिसिएटिभै लिँदैछ यसो गर्दा पनि तर आज जोइन्ट इन्सपेक्सन गर्दा चाहिँ मलाई धेरै उसको पनि लाग्यो धेरै सक्सेस हुन्छ जस्तो पनि लाग्यो किनभने जोइन्ट इन्सपेक्सनले धेरै प्रायः दोकानतिर हामीले एकपल्ट 2 एउटा हेरेर त्यस्तै प्रकारले एक्सटेन्स सो गर्ने हामीले टाइम दिएको छौँ त्यो 2 दिनभित्रमा चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ लगाओस् भन्ने चाहिँ हामीले टाइम दिएको छौँ 2 दिन 3 महिनामा चाहिँ उहाँ सरले भन्नुपर्छ उहाँलाई रिपोर्ट गर्नुभयो भन्नुभएको छ त
तर त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सही लगाउनु हुन्छ होला, केही प्रब्लम भयो भने अभ्यासमा आउनु पर्नेछ मैले। त्यस्तै प्रकारले हामी प्रायः यस्तो प्रकारले इन्सपेक्सन गरिरहन्छौँ सबैतिर, तर जति भ्याउँछौँ सधैँ प्रकारले यस्तो प्रकारले कन्टिन्युस एक एकवटा दोकान गरेर चाहिँ गर्नु सक्छौँ, किनभने हाम्रो अफिसियली काम पनि हुन्छ, प्राइस हायर हुन्छ। अहिले फेरि रेनी सिजनमा, रेनी सिजनमा लाइट त्यो कतिवटा ल्यान्डस्लाइडहरू कतिवटा उसहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि हामी पुग्नु भयो, त्यसमा ब्लड पनि हुन्छ, त्यसरी हाम्रो कतिवटा प्रब्लम हुन्छ हो। र आज धेरै नै उसमै भयो जस्तो लाग्यो म, होइन आज चाहिँ कम्ती मात्रामा चार पाँचजनाको जस्तो मात्रै भेट्यो हामीले, प्रायः चाहिँ एकदम छैन, न एउटा एक्सटिङ्विसर छ न लाइफ लाइसेन्स छ के पनि छैन, चार पाँचजनाको मात्रै। हिन्दी ओके बोले हिन्दी सुन्दै चाहिएको छ त अभी नहीं बोल सकते, लेकिन ये फास्ट नहीं है। लीगल मेट्रोलॉजी का ये नॉर्मल ड्यूटी है, मतलब नॉर्मल ड्यूटी है और साल भर चलता रहता है, लगभग दो तीन महीने देखो ना, लास्ट मई मंथ में मार्केट में इस तरह का एक प्रोग्राम हो चुका है, और वो लोग उसी हम अपने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किया है, फिर से किया है तो। और इस बार जो मतलब अंडर द है जॉइंट इंस्पेक्शन अंडर द ये जो जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ, ये इसका तो बहुत अच्छा असर होगा मुझे लगता है, और देख भी रहा हूँ और अब फ्यूचर में करके ऐसे रेट और जो आवश्यकता थी कि विशेष अब यह जो हाई अथोरिटी बड़ा जो अब जैसे भी नेता पर्ने कार्य भनेको हुन्छ। आज ब्युरोक्रेट्सको लेभलले जुन प्रकारले यो एउटा संयुक्त रूपमा यो जुन पहल चल्यो, यो खरसाङ नगरपालिका पनि उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष अब जनहितको निम्ति संयुक्त रूपमा जोइन्टली यो जुन प्रकारको एउटा भेरिफाई गर्यो, दोकानदारहरूलाई सेपरटाइज गर्नुको लागि होइन, दोकानदारहरूलाई मार्नुको लागि उद्देश्य गरेको होइन, यो दोकानदारहरू पनि एउटा कन्सियस बसोस् सरकारसँग, जुन प्रकारले जिएसटी डिपार्टमेन्टबाट बोल्नुभयो होइन, हाम्रो फायर डिपार्टमेन्टबाट बोल्नुभयो, हाम्रो फुड डिपार्टमेन्टबाट बोल्नुभयो, तपाईँले देख्नुभयो यो सबै एउटा सरकार हो, सबै हामी जनतालाई जनता भएर सरकारलाई साथ दिएर जुन प्रकारले हामीले चाहिँ यो एउटा आम नागरिक भएर हाम्रो जनताको सुविधाको निम्ति, किनभने नठगिनुको लागि हो नि त, भोलि फायर डिपार्टमेन्ट कुनै आग लाग्यो भयो, फायरको जुन चिज राख्नुपर्ने चिज दोकानदारले राखिदिएन, या अहिले कुनै यो अहिले ब्रेड दोकानहरू बनाउँदैछ त्यहाँभित्र केही राखिदिएन भने उहाँहरूलाई फेरि पछाडि फायर ब्रिगेडले के गरेन कसो गरेन भन्ने चिजहरू आउँछ। जस्तै अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले जुन अब ढकपल्ला कौलिने एउटा अफिस छ पिबी रोडमा, अब यहाँ अघि हामीले भेटायौँ कि कस्तो पनि भेटायौँ, उहाँले 2021 उहाँले ढकपल्लाको कुनै एउटा मेजरमेन्ट लिएकै छैन, भनेपछिदेखिलाई त्यो मेजरमेन्ट नलिनु नै के हो, जनता ठगिनु हो नि त होइन। अब कतिवटा प्याकेजहरू हामीले भेट्यौँ दोकानदारमा, ग्रोसरी सपमा गयौँ, अलरेडी प्याकेज छ, उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले एक पावा भनेर लेखेको छ 250 यानि कि 250 ग्राम, त्यहाँनिर तौलिँदाखेरि 200 ग्राम भेटाउँदैछौँ, भनेपछि त्यसले 25 ग्रामको त हामी माइनस जाँदैछौँ, जनता माइनस जाँदो रहेछ भन्ने कुरो हुँदैछ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ राम्रो। त उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि दोकानदारहरूले पनि दाम पाउनुपर्छ, अनि जनताले पनि सही मुनासिब आधारमा नै थियो जनताको दोकानदारबाट किनेर लैजाओस् भन्ने। जस्तो अब मानिलिनुहोस् ब्रेड, अहिले ब्रेड दोकान प्रायः हामीले चेक गऱ्यौँ, हामीले देख्दैछौँ ब्रेड सिम्पल ब्रेड लान्छौँ, मिठा ब्रेड सादा ब्रेड भनेर लाँदैछौँ, उहाँको भनाइ अझ जुन चाहिँ सरकारी तौरमा हो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर ट्याग लगाइदिएको हुनुपर्छ, कहिले बनिएको, कति वेट छ, त्यसको एक्सपायरी डेट कति हो, यो त जनताको लागि हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दोकानदारलाई पनि कुनै किसिमको मार्का नपर्ने, अनि जनता दोकानदार गरेपछिदेखिलाई उहाँहरूले जुन प्रकारले सरकारी कर तिर्नुपर्ने कुरो चाहिँ सही ढङ्गमा तिरिदिएको पनि राम्रो हुन्छ, किनभनेदेखिलाई सरकारलाई कर तिरिदियो भने त आएको यो जुन चाहिँ पैसाहरू छ डेभलपमेन्टमा लाग्न सक्छ नि त। र त्यसले गर्दा यो ब्युरोक्रेट्स लेभलहरू चलिएको छ, र मलाई लाग्छ कि भोलिको दिनमा कुनै पनि क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि सेपरटाइज गर्नुको लागि, यो घुम्दै गरेको चिजलाई चाहिँ बन्द गर्नुको लागि चाहिँ कसैबाट पनि प्रेसर चाहिँ नआओस् भन्ने कुरो चाहिँ आज नगरपालिकाको भाइस चेयरम्यानकोबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नगरपालिकाको हाम्रो सेन्ट्रल इन्सपेक्टर श्रीमान रमेश सम्बाको अगुवाईमा हामीले होटलहरू पनि चेक गर्छौँ, उहाँहरूलाई हामीले अवगतहरू पनि गराउँछौँ, सफाहरू गर्ने के गर्ने। र आज हामीले कतिवटा चिजमा चाहिँ हामीले के सपोर्ट पायौँ भन्दाखेरि, जस्तै अब त्यो मिठाईहरू बनाउँदाखेरि अब त्यो कतिवटा चिजहरू जुन चिज चाहिँ अब जनतालाई हाइजेनिक हुन्छ, त्यो मतलब भित्र गएर चाहिँ अप्ठ्यारोपनाहरू हुन्छ,
त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर. अब हामीलाई त थाहा छैन, त्यो त फुड डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने चिजहरू उहाँले हामीलाई बताइदिनु भयो. इन फ्युचर खरसाङ म्युनिसिपालिटीको फुड डिपार्टमेन्ट अनि यहाँनिर अहिले भेटनेरी डिपार्टमेन्ट पनि छ. यहाँनिर अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ मासुहरू, अब अहिले विभिन्न रोगहरू लागिरहेको छ मासु उयसहरू जीवजन्तुमा. अब यो त्यो कतिवटा मिटहरूलाई पनि हामीले बसेर जोइन्टली एउटा बसेर पनि के कस्तो गर्नुपर्ने हामी गर्नेछौँ. त्यो धेरै हामीले आज नगरपालिकाले हामीले पनि ज्ञान सिक्यौँ कि मतलब हामीले नजानेको चिजहरू. जस्तो सुन दोकानमा गयो, कतिवटा सुन दोकानमा अब हामीले देख्छौँ नि त, हामीले त सानसानो मेजरमेन्ट तौलिने चिजहरू हुन्छ अनि त्यो अहिले उहाँले हेर्नु जाँदाखेरि त्यो सही छ कि छैन, ठिक छ कि छैन. हामीले हाट बजारमा जाँदाखेरि कतिजनाले स्वेटरहरू लगाएको देख्यौँ, किन लगाउनु? ट्रेड लाइसेन्स छैन. अब जुन ट्रेड लाइसेन्समा मासुको दोकान खोलेको छ भन्छ, लुगा दोकान बेचेर त भएन नि त, हुन्छ भएन नि त. त्यही चिज बेच्नु पऱ्यो नि. जहाँ चाहिँ तपाईँको ग्रोसरी सप भनेपछि ग्रोसरी आइटम चाहिँ बिक्री गर्नु पऱ्यो, फाल्टु आइटम बिक्री गर्नु भयो, सबै मिलेर गर्नु पऱ्यो नि त. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ हामीले ज्ञान पायौँ अनि सबै संयुक्त रूपमा आज जुन जति पनि ब्युरो क्याप्सहरू लागेको छ अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो पुलिस विभागका अनि एसडिओ डिपार्टमेन्ट्सको जति पनि सबै सपोर्ट आयो, त्यो सँगसँगै हामीलाई व्यवसाय सङ्गठनकोबाट पनि सपोर्ट गर्नुभयो. उहाँहरू स्वयं पनि चाहनुहुन्छ हामी कर तिर्छौँ सरकारलाई र हामीले पनि जनतालाई चाहिँ सही ढङ्गको चिजहरू चाहिँ हामी पस्किएको हुन्छौँ भन्ने कुरो उहाँको पनि सोच र विचार लिएर उहाँहरू जोइन्टली हिँड्नुभयो. यसलाई चाहिँ कसैले पनि अनाथ नसम्झिने नै अनुरोध गर्न चाहन्छु. नमस्ते खरसाङ.